सच्चा हुनर दिखा दे आज। सच बात है प्रिंस जी, अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो मुराद जरूर कबूल होती है। बिल्कुल, और मुराद मजहब नहीं देखती। तुम्हें पता है सनी, हम भारतीय अपनी दुआ को पहुंचाने के लिए जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जादू की छड़ी मतलब अगरबत्ती। वैसे क्या जादुई बात कही है तुमने? अगरबत्ती इंडस्ट्री की ये महक कितनी दूर तक फैली है देखते हैं। भगवान की पूजा अर्चना के वक्त भक्ति के साथ कुछ और चीजों की जरूरत भी होती है, उसी में से एक है अगरबत्ती। अपनी सारी प्रार्थना हम अगरबत्ती से उठने वाले धुएं के सहारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ये प्रार्थना भक्ति और पूजा का एक प्रतीक बन चुका है। इंडियन मार्केट में अगरबत्ती इंडस्ट्री की कीमत लगभग 3,500 करोड़ रुपए की है। 350 करोड़ रुपए की अगरबत्तियां तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं और आए दिन ये तीव्र रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। अगरबत्ती की खुशबू की तरह ये इंडस्ट्री भी दूर तक फैली है, और कितना हुनर है इस काम में देखते हैं हुनर की बाजी में। ये है FFDC यानी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के परफ्यूमरी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जो यहाँ से अगरबत्ती का कोर्स कर रहे हैं, और यहाँ हुनर की बाजी में चुने गए हैं इस कोर्स के 6 स्टूडेंट्स जो दिखाएंगे यहाँ पर अपना हुनर। और इस टास्क के पार्टिसिपेंट्स हैं अजीत, नीरज, पवन, प्रीति, चेतना, शोभा। चुने हुए कंटेस्टेंट्स को दी जा रही है कुछ सामग्री। आसाम से आए हुए इंसेंस स्टिक, आकेशिया, जिगत और चारकोल। इनका काम है दी गई सामग्री को मिलाकर एक मिक्सचर बनाना, और फिर लक्ष्य है दिए गए समय में ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां बनाने का। अगरबत्ती का मटेरियल तैयार है और अब ये बांटा जा रहा है सारे प्रतियोगियों में। तो इनका समय शुरू हुआ अब। सभी हुनरबाजों ने घड़ी की सुई की स्पीड के साथ अपने हाथों की स्पीड भी बढ़ा ली है। सबसे पहले लकड़ी के स्लैब पर मिक्सचर को रखा जा रहा है, और फिर स्टिक पर ठीक तरीके से मिक्सचर को रोल किया जा रहा है। रोल करते वक्त ड्राई चारकोल का इस्तेमाल भी स्टिक को चिपचिपा होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। इस टास्क में सिर्फ अगरबत्तियों की गिनतियों पर ही नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी पर परखी जाएगी, इसीलिए हाथ जल्दी से चलाइए। पर ये भी ध्यान रखिए कि मिक्सचर स्टिक्स पर बहुत ज्यादा या बिल्कुल कम नहीं बल्कि एकदम सही मात्रा में लगे होने चाहिए। मेंटर ज्ञानेंद्र की कड़ी नजर सभी कंटेस्टेंट्स पर है, और देखना होगा किसकी इंसेंस स्टिक उन्हें खुश कर पाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने सबसे घटिया क्वालिटी का, सबसे मोटा और सबसे कम संख्या में अगरबत्ती बनाया है, लगता है कि प्रतियोगिता से ये तो बाहर होने वाले हैं। अरे नीरज भाई, हंसिए नहीं, आपकी तारीफ नहीं हो रही है। अब क्या एक अगरबत्ती में सारी लोई लगा देंगे? कंपटीशन का वक्त धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और अभी भी जज कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी अभी बहुत ज्यादा अगरबत्ती बन गई है, और बहुत ही क्वालिटी अगरबत्ती बनी है। सारे प्रतियोगियों में से अभी तक सबसे ज्यादा अगरबत्ती बना ली है चेतना ने, पर अभी टास्क के 5 मिनट्स बचे हैं। बाजी कभी भी पलट सकती है। अजीत, नीरज, पवन, प्रीति, शोभा लगा रहे हैं अपना पूरा जोर, और इन हुनरबाजों का उत्साह बढ़ा रहे हैं फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के स्टूडेंट्स। अरे ये क्या, देखते ही देखते प्रीति पहुंच गई हैं शोभा के बहुत करीब, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता हुआ। और वक्त खत्म। बहुत ही रोमांचक मोड़ पर टास्क का वक्त होता है खत्म, और अब बारी है फाइनल डिसीजन की। नीरज को मेंटर ज्ञानेंद्र अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं। जिन्होंने सबसे घटिया क्वालिटी का और सबसे कम संख्या में अगरबत्ती बनाया है, लगता है कि प्रतियोगिता से ये तो बाहर होने वाले हैं। आपने बहुत ही कम अगरबत्तियां बनाई हैं, और बहुत ही अच्छी बनाई है आपने।
अजीत ने अगरबत्तियाँ अच्छी तो बनाई पर क्वांटिटी भी इस टास्क का एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। आपकी अगरबत्तियों क्वालिटी ठीक नहीं है और संख्या भी अभी कम है। पवन तो दोनों ही क्राइटेरिया में हो गए फेल, यानी इनकी टाए फेस। ठीक है, आपका भी बहुत बढ़िया। प्रीति के अगरबत्तियों को ठीक से देखने के बाद मेंटर ज्ञानेंद्र के मुख से एक ही वर्ड निकला, भाई बढ़िया है। इन सभी शोभा की परफॉर्मेंस से कुछ खास खुश नजर नहीं आए ज्ञानेंद्र और बिना कुछ कहे लौटा दी उनकी अगरबत्तियां। और अब बारी है आखिरी हुनरबाज की। आपने सबसे ज्यादा अगरबत्ती बनाई है लेकिन अगरबत्तियों की जो क्वालिटी है थोड़ी वो ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा अगरबत्ती बनाने वाली चेतना इस बात को एकदम भूल गई कि भाई असली परीक्षा तो क्वालिटी की है। जो हमारे पैरामीटर थे क्वालिटी क्वांटिटी का, तो उसमें आपने सबसे अच्छी और सबसे अधिक संख्या में और सबसे गुणवत्तापूर्ण अगरबत्ती बनाई है। तो कंपटीशन की विजेता आप प्रीति हैं। प्रीति के नाम पे एक बार तालियां।